नमस्कार, हर हर महादेव। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। और अभी होली और पर्व त्योहार खत्म हुई है, तो अभी सबके सब कोई मस्ती के मूड में और रिलैक्स के मूड में होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आज ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि अभी फेस्टिवल आते हैं, तो हमारे सारे बजट ऊपर नीचे हो जाते हैं। और फेस्टिवल तो हम तो धूमधड़ाम से मना लेते हैं, लेकिन फिर बाद में हमें उस बजट को कहीं ना कहीं मेंटेन करना पड़ता है कि क्योंकि फेस्टिवल है तो बहुत सारे खर्चे जो हम नहीं सोचते हैं वो खर्चे भी हो जाते हैं। तो मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि आज मेरी एक फ्रेंड ने मुझे अपनी एक राम कहानी बताई कि अभी इतने सारे उसके घर में गेस्ट आए थे तो उसकी सारी बैलेंस मतलब गड़बड़ हो गई। और त्योहार है तो भाई ऑफिशियली आदमी इंजॉय करता है, उस समय तो सोचता नहीं, लेकिन बाद में फिर पूरे मंथ चलाना पड़ता है। और जिनकी एक फिक्स सैलरी है उन्हें तो बहुत सारी चीज़ सोचने पड़ते हैं कि हम अपना घर कैसे चलाएं। तो मुझसे पूछ रही थी तो कि तुम कैसे चलाती हो, तो मैंने उसे जो ट्रिक बताया तो वो बहुत खुश हुई। तो मैं सोची कि जब वो खुश हुई तो आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। और एकदम नई ट्रिक है कि हम अपने घर को कैसे चलाएं ताकि हमारे पास कुछ पैसे भी बच जाए, क्योंकि हम देख चुके हैं कि एक फिक्स सैलरी में घर चलाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो दोस्तों, आइए आज मैं आपके साथ एक बहुत ही यूनिक ट्रिक बताती हूँ, और जो कि बहुत कम और फटाक से बन जाता है, और उसको अगर आप फॉलो कीजिए तो आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं हो। और आपके पास, क्योंकि बहुत कोई से आप सुनते होंगे कहते हैं कि मंथ के लास्ट आते आते तक हमारे हाथ में एक पैसा नहीं बचता है, इतनी सारी मतलब खर्चे हो जाते हैं कि लास्ट में हमारे पास कुछ पैसा नहीं बचता। तो फ्रेंड्स, आज ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ एकदम न्यू ट्रिक। ये जैसे हम देश के बजट को बनाते हैं, और देश का बजट को भी हम जब तक ढंग से नहीं बनाते हैं तो हमारा बजट ठीक से नहीं चलता। तो वैसे हम घर को भी, अगर कुशल गृहिणी है तो ये बजट का ये न्यू ट्रिक अगर आप फॉलो कीजिए कि हम अपना घर कैसे चलाएं, तो आपको आई होप कभी कोई परेशानी नहीं होगी। तो देखिए, ये मैंने क्या किया, मैंने 10 पॉइंट इसमें डाले हैं, 8 पॉइंट यहाँ है, 2 पॉइंट यहाँ है। तो ये 10 पॉइंट पे मैं आपको बता रही हूँ कि अब जैसे कि मैंने एक मोटा मोटी रकम रखा है कि 16 हज़ार, कि अगर आपकी इनकम 16 हज़ार है तो हम 16 हज़ार में कैसे घर चलाएं ताकि हमारी कुछ बचत भी, हमारे पास कुछ बचत भी हो जाए। तो ये कुछ 8 पॉइंट जो मैक्सिमम जरूरी है वो पॉइंट मैंने नोट किया है। तो पहले है राशन का। तो आपके पास आप ये मैंने ये 16 हज़ार का निकाला है, आप 20 हज़ार, 40 हज़ार, 50 हज़ार, 1.5 लाख जितनी आपकी इनकम है आप उससे निकाल सकते हैं। और बहुत छोटा पॉइंट है कि ये मेन जो मेरा मेन ये टोटल जितना आता है उसका 30% सबसे पहले हमें ग्रॉसरी के सामान में से रखना है, क्योंकि उसके बिना हमारा कुछ भी संभव नहीं है। तो हम ग्रॉसरी के सामान में सबसे ज़्यादा 30% हम, मेरा जितना बैलेंस है इनकम है उसका 30% हम, पहला पॉइंट है ग्रॉसरी का सामान, दूसरा में हम है कपड़ा। कपड़ा तो हम मंथली लेते नहीं हैं, और ये अलग अलग लिफाफे में हम करके रखेंगे तो हमें खुद पता चल जाएगा कि देखिए इस मंथ हमारी किस चीज़ में बचत हुई है। अब ये दूसरा है ये कपड़ा। कपड़ा तो हम मंथली नहीं लेते हैं, तो पूरे सैलरी का 10% हम कपड़े पे खर्च करेंगे। तीसरा आया किराया, ये तो जरूरी है, ये तो फिक्स्ड अमाउंट है तो इसे तो हम देना ही है। ये भी हम अपने पूरे सैलरी के 20% को लेस करेंगे तो हमारा किराया आराम से निकल जाता है। फिर चौथा है ये हमें बिजली है, गैस है, बिजली है, उसका हम 15% जोड़ेंगे। हमें अगर बच्चे हमारे पढ़ाई वाले हैं तो एजुकेशन पे हमें कितना परसेंट खर्च करना है, तो टोटल इनकम का 16% हम एजुकेशन पे खर्च करेंगे। स्वास्थ्य में कि अगर हर महीने हमारे मतलब घर में कोई बीमार है, चाहे तबीयत खराब होती है, मंथली हम उन पे कितना खर्च कर सकते हैं, तो उसका 50% हम, 5% हम टोटल अपने जो बजट, टोटल मेरी जो इनकम है उसका 5% हम स्वास्थ्य पे खर्च करेंगे। मनोरंजन ये भी है कि हम हर मंथ तो कहीं जाते नहीं है, कभी शायद महीने में एक बार हो गया बाहर रेस्टोरेंट खाना खाने चले गए या मूवी देखने चले गए, तो ये हम 2.5% उसके ऊपर खर्च करेंगे। तो टोटल अगर हम इतना जोड़ के कैलकुलेट करें तो टोटल बचत हमारा
7.5 के रेशियो से हमारे पास बच जाता है। और दूसरी बात कि हर महीने हम कपड़ा नहीं खरीदते तो ये हमारा पास पैसे बचा रहेगा। स्वास्थ्य में भी हमें हर महीने, तो जरूरी नहीं कि हर महीने ही हमारी तबीयत खराब हो। तो ये कुछ कुछ छोटी छोटी रूटीन है जिसको आप अगर फॉलो कीजिए तो हमारे पास नो डाउट अच्छे खासे रकम जमा हो जाते हैं। अब जैसे हम ये सारे लिफाफे में डाल के रखते हैं, अब जैसे ये कपड़ा हर महीना हमें नहीं खरीदना है तो इसका हम अलग लिफाफा रखेंगे। इस मंथ हम अगर उसमें जो बचा नेक्स्ट मंथ हम उसमें जब डालेंगे तो हमारे पास अच्छी सी बचत हो जाएगी। तो ऐसे छोटे छोटे जो अगर आप ट्रिक अपनाइए तो आपके घर के बजट को संभालना बहुत ईजी है और हमारे पास कुछ पैसे भी बच जाएंगे। और हाँ, एक बात और कि घर पे अपने लिफाफे रखिए ताकि जिस हर 8 पॉइंट जो मैंने बनाया है उस तरह से 8 लिफाफे रखिए। जिस महीने का जिसमें भी अगर बचत बचता है उसे आप बचत वाले खाता में डालते जाइए। तो देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ में आपके पास काफ़ी अच्छी इनकम हो जाएगी। और इस मंथ अगर कोई गेस्ट आता है या कोई त्यौहार आता है तो हम इस पैसे को उसमें इंक्लूड करके और हम अपने बजट को बचा सकते हैं और खर्च पे लगाम भी लगा सकते हैं। और दूसरी बात कि अगर हम किराने का सामान लेके आ रहे हैं और किराने में हमको सबसे ज़्यादा खर्च होती है तो किराने का सामान हम थोक भाव से अगर लेकर के आए तो थोक के रेट से लाने से हमें रेट भी सही मिलता है, खर्च भी कम लगता है। या ऑनलाइन अगर मॉल से लेके आ रहे तो कभी कभी वहाँ छूट देती है तो उससे भी हमें प्रॉफिट होता है। तो किराने का सामान जब भी लाएं तो आप उसे थोक के भाव से ही लाएं। तो इस तरह कुछ छोटी छोटी बातें हैं और ये मेरी 10 पॉइंट हैं। अगर आई होप आप लोग को भी अच्छी लगी होगी और इस तरह से अगर ये रूल फॉलो कीजिए तो हर महीने आप भी बचत कर सकती हैं और अच्छा खासा बचत कर सकती हैं और कम अमाउंट में भी आप अपने घर को बहुत अच्छे से चला सकती हैं। तो और भी कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं, मैं दिखाती हूँ कि उसके तरीके से भी हम घर को बचा सकते घर के को बचत कर सकते हैं और अपने हाथ में पैसे बचा सकते हैं। तो चलिए दिखाती हूँ कि उससे भी हम अपने मतलब कैसे हम बचत कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर हम सरसों तेल का कंटेनर लेकर के आते हैं तो क्या होता है ना कि हम इसका मुंह बहुत ज़्यादा बड़ा करते हैं तो उससे भी हमारे जैसे सब्जी उब्जी बनाए तो बहुत ज़्यादा तेल गिर जाती है। तो आप इसका भी इसके के जो यहाँ पे हॉल है तो ये छोटा सा हॉल कीजिए ताकि हम जितना ज़रूरत है उतना ही तेल इससे गिरे, नहीं तो बहुत पूरे ओपन कर देने से क्या होता है कि कभी कभी ध्यान नहीं रहता है तो बहुत ज़्यादा तेल गिरती है। तो इससे भी हम थोड़ी बहुत बचत कर सकते हैं। अब जैसे ये मैंने अपनी सासू माँ से सीखी थी कि नारियल तेल का बड़ा डब्बा मंगाती थी और जब बच्चे इसे डालते हैं तो बहुत सारे बर्बाद हो जाते हैं तो वो इस तरह के छोटे से डब्बे में उसको डाल देती थी तो ये आराम से 2 महीना 3 महीना भी चल जाता था। तो ये छोटी छोटी बचत भी हम कर सकते हैं। अब जैसे कि अब ये छोटी छोटी बचत करके हम हर महीने कुछ ना कुछ तो हम बचा ही सकते हैं। लोगों को ये छोटी छोटी टिप्स अच्छी लगी होगी क्योंकि पहले हम अपनी माँ को अपनी सासू माँ को देखते थे कि वो घर के पैसे से ही बचा करके कभी ज्वेलरी खरीदती थी तो कभी घर के कुछ सामान खरीदती थी। तो फिर मैंने जब ये ट्रिक अपनी सासू माँ को फॉलो करते हुए देखा तो मैं सोची कि चलिए सही बात है क्योंकि हम क्या कहते हैं कि हम अगर पैसे हमारे पास जितना भी रहेगी तो पैसे के पैर नहीं होते, वो पट से आती है और पट से चले जाती है। तो अगर हम उसे कहीं अच्छे से जैसे इस महीने हमारे स्वास्थ्य में खर्च नहीं हुआ तो वो पैसा हमारे पास बच जाएगा। तो पहले हम लिफाफा अलग अलग बना ले और उसके बाद हम बचत करना सीखे तो मतलब बहुत अच्छे से बचत हो जाती है। और हर महीने के राशन में हम थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा सामान मंगा ले ताकि अगर कुछ बीच में पर्व त्यौहार पड़े तो हमें अचानक से बहुत सारा सामान मंगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आई होप आप लोग को ये अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी होगी मेरी आइडियाज़ तो कमेंट्स एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन है उसको दबाना नहीं भूलिएगा। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और मुझे ऐसे ही अच्छे अच्छे मोटिवेटेड वीडियो बनाने के